वो मेरा आधा वर्ष है। आधा वर्ष का मतलब नहीं समझते? सबको मेरा राम राम। उंगलियों के इशारों पर नाचती थिरकती नए पुराने किस्से बखान करती ये कठपुतलियाँ न जाने कब से लोगों का मनोरंजन कर रही हैं, उनका दिल बहला रही हैं। लेकिन कुछ अरसे से अपने आप बेजान इन कठपुतलियों की मानो भूमिका ही बदल गई है। वे अब मन बहलाव का जरिया भर नहीं रही, आम लोगों की जिंदगियों को, उनके रोजमर्रा के दुखों और सुखों को अभिव्यक्त करती ये कठपुतलियाँ उनको जागरूक बना रही हैं, उनको जमाने से चली आ रही बदहाल जिंदगी को बदलने का रास्ता दिखा रही हैं। नए और पुराने किस्सों कहानियों का इस्तेमाल कर ये लोगों को पढ़ना लिखना सीखने को प्रेरित कर रही हैं। राज्य संसाधन केंद्र लखनऊ द्वारा विकसित इस विधा का इस्तेमाल संपूर्ण साक्षरता अभियान के दौरान समूचे प्रदेश में बखूबी से किया गया था। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला आगरा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगे इस जिले में मध्यकालीन इतिहास की खंडहर होती शानदार इमारतें बिखरी पड़ी हैं। दुनिया भर के सैलानियों की ख्वाहिश ताजमहल, एक शहंशाह की मोहब्बत का प्रतीक बेपनाह खूबसूरत ताज, हिंदुस्तानी कारीगरों के हाथों तामीर एक बेजोड़ इमारत ताज, '91 की जनगणना के मुताबिक लगभग 27 लाख की आबादी में 52% लोग अनपढ़ थे और ये सभी मेहनतकश, गरीब और लाचार लोग थे। ये उनके वारिस हैं, जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ले जमीन। अभियान के पहले दोनों चरणों यानी कि संपूर्ण साक्षरता और उत्तर साक्षरता के दौर के पूरा होते होते साक्षर लोगों की संख्या 70% के आसपास हो गई। सही है, पढ़ना लिखना सीखने से इनकी गरीबी खत्म नहीं हुई, बदहाली दूर नहीं हुई, इनको शोषण से निजात नहीं मिली, लेकिन चंद अक्षरों से पहचान होने से इनको एक असरदार हथियार जरूर मिल गया। साक्षरता के इस हथियार की धार को बनाए रखने और रोजमर्रा की जिंदगी में इसका कारगर इस्तेमाल करने के लिए पढ़ने लिखने की क्षमता का विकास करना और उसको उन तक पहुंचाना जरूरी था जो अभी तक अनपढ़ थे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने इस हकीकत को महसूस किया। राष्ट्रीय स्तर पर एक सतत शिक्षा कार्यक्रम की योजना तैयार की गई। जब हम सतत शिक्षा के बारे में सोचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसको किस तरह हम चलाएं, तो सबसे पहली बात हमारे सामने जो आती है वो ये है कि किस ढंग का हम केंद्र खोलें। हमने ये निश्चित किया है कि हर एक 2000 या 2500 के पॉपुलेशन के हिसाब पर एक केंद्र हम खोलें और हर एक केंद्र के लिए, हर एक 10 केंद्र के लिए एक हम नोडल सेंटर भी चलाएंगे। इस नोडल सेंटर का काम होगा कि बाकी जो 10 सेंटर उसके अंडर हैं, उसके नीचे हैं, उनको वो मॉनिटर करें और उनके कार्यक्रमों की जो गुणवत्ता है उनको बढ़ाएं। सतत शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य अधिक व्यापक थे। इनको लागू करने के लिए जिले के संगठनात्मक ढांचे और रणनीति में जरूरी बदलाव लाए गए। जिला साक्षरता समिति की सहायता करने के लिए इसके अंतर्गत एक जिला संसाधन इकाई DRU का गठन किया गया। हमारे DRU के मेंबर्स मूलतः आगरा के प्रतिष्ठित व्यक्ति, शिक्षाविद, समाज सेवक और प्रशासनिक अधिकारी हैं। इनकी संख्या लगभग अभी वर्तमान में 13 है। इस पूरे DRU और ZSS के जो हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं और CDO हमारे जो हैं वो चीफ कोऑर्डिनेटर होते हैं। सचिव का एक अलग पद है। इन सब के समावेश के साथ यह DRU हमारी गठित है
इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों को भी अच्छी भागीदारी है और उनके सहयोग से हम इस पूरे डीआरयू को गठित किए हुए हैं और उनके समय समय पर बैठकों के आयोजन से जो सलाह आते हैं उसका क्रियान्वयन हम लोग अपने ZSS के माध्यम से केंद्रों पर करते हैं। 13 डीआरयू सदस्यों को उनसे उनकी सुविधा के अनुसार ये तय कर दिया गया है कि आप स्वेच्छा से केंद्रों पर जाएं, केंद्रों पर लोगों से बात करें और एक सुपरवाइजर बन के न जा करके जो प्रेरक है और जो नोडल प्रेरक है उसको समृद्ध करने के लिए, उसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जुड़ाव करें लोगों का और लोगों के बीच में बैठ करके प्रेरक के साथ एक ऐसी व्यवस्था कायम करें जिसके आधार पर लोगों में विश्वास जगे कि सतत शिक्षा और सरकारी कार्यक्रमों से अलग है और ये हमारा अपना कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के बिना हम परिवार से लेकर के विकास तक किसी यात्रा को संपूर्ण नहीं कर सकते। जैसा कि स्पष्ट है, इन दोनों प्रमुख समितियों में मार्गदर्शन, नीति निर्धारण और क्रियान्वयन का काम प्रायः पूरे तौर पर जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों और उनके द्वारा चुने गए लोगों के अधीन है। स्वयंसेवी संगठन लगभग हाशिए पर है। हमारा जो प्रोजेक्ट था उसमें कुछ इस तरह के निर्देश नहीं थे, प्रोजेक्ट में ही इस तरह का कोई प्राविधान नहीं था कि हम लोग ZSS के पैसे को NGO के माध्यम से व्यय करें, इसलिए इन लोगों का NGO का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। वैसे NGO के लोग ZSS में हमारे सक्रिय हैं। आवश्यक तैयारियां करने और औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद सतत शिक्षा कार्यक्रम को विधिवत रूप से जनवरी 1999 में लागू किया गया। इसके लिए जिले की आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखते हुए इसको दो क्षेत्रों में बांटा गया। ग्रामीण क्षेत्र में 15 ब्लॉक और शहरी क्षेत्र में 8 जोन बनाए गए। इनमें समन्वयकों की नियुक्तियां की गई, जिन्हें DRU द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि राज्य संसाधन केंद्र समन्वयकों के लिए 5 दिन का प्रशिक्षण आयोजित करता है। ग्रासरूट लेवल से जुड़े होने की वजह से प्रेरक केंद्रों की जो समस्याएं हैं उसे सुनना, उनका निदान जो भी संभव है उसका ढूंढना और उसको हल करने के लिए प्रयास करना। उदाहरण के तौर पर किसी क्षेत्र में जो क्षेत्र के लोगों की समस्याएं हैं अगर उनका हल नहीं हो रहा, जो अपेक्षाएं करते हैं हमारे प्रेरक केंद्र से, तो प्रेरक हमसे उन बातों को कहता है, हम उसे ZSS के माध्यम से या तो हल कराएं ताकि जो क्षेत्र की जनता है उसका विश्वास हमारे केंद्र के प्रति बढ़ सके। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कुल मिलाकर 93 नोडल प्रेरक केंद्र और 743 प्रेरक केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें मुख्य जोर महिलाओं को उन कामों में प्रशिक्षण देना है जिनको सीखकर वे अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सके। मैं रंगोली बनवाती हूँ, लिफाफे बनाना है, डॉल इसकी जूट की डॉल बनाना है, पेंटिंग्स हैं, कपड़ों की सिलाई है और कपड़े के फूल हैं, ये सब चीज़ मैं बनवाती हूँ और फिर जब ये सारे बन जाते हैं मार्केट में ले जाकर इनको बेचकर और जो पैसा मिलता है वो इन सब में बनाने वालों को वितरित कर देती हूँ। कुछ अन्य विशेष तौर पर शहरी क्षेत्रों में महंगे खिलौने बनाने, बंधेज, पेंटिंग और क्रोशिया जैसे कामों का व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुछ केंद्रों में ये भी देखा गया कि यहाँ महिलाओं से प्रशिक्षण शुल्क भी लिया जाता है। रोजगार मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम सिखाए जाते हैं जिसमें अधिकांश गरीब बस्ती की महिलाएं भाग लेती हैं और उन महिलाओं को हम लोग निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। सिर्फ उनको जो सामान होता है उसके रॉ मटेरियल में जो दाम लगते हैं उन्हीं के ही दाम लिए जाते हैं, बाकी उनका सारा प्रशिक्षण निःशुल्क होता है। आगरा जिले में चल रहे सतत शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य जोर रोजगार परक गतिविधियों पर है। जब तक विद्या अर्थकारी नहीं होगी तब तक इसके प्रति बहुत अधिक रुचि उत्पन्न करना संभव नहीं हो पाता है। वैसे ये भी कहा गया सा विद्या या विमुक्त है, वो विद्या जो हमें मुक्ति प्रदान करती है, लेकिन
आज के अर्थ प्रधान युग में जब तक हम व्यक्ति को जिस कार्य को वो करना चाहता है उसमें उसे समर्थ नहीं बनाते हैं, तब तक उसे हम अभिप्रेरित कर सकें शिक्षा के प्रति, वो थोड़ा कठिन होता है। हमारे ग्रामीण स्तर पर केंद्र चल रहे हैं, उन केंद्रों में कोई व्यक्ति खाली वैसे तो आना नहीं चाहेगा। हर व्यक्ति का आज की तारीख में रुझान है कि उसको कोई ना कोई रोज़गार मिले, तो इसलिए इन केंद्रों पर हम लोगों ने व्यवस्था की है कि वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो हो सकने वाले काम हैं, जैसे पापड़ बनाना है, अचार बनाना है, जैम जेली बनाना है, या दरी का काम है और जरी आदि का काम है, ये सब इन केंद्रों पर व्यवस्था है। और जिस क्षेत्र में जो भी स्किल उपलब्ध है उसके आधार पर ऐसे केंद्र चलाए जा रहे हैं, और इसी तरह से हम सतत शिक्षा को रोजगार से जोड़ रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश केंद्रों पर माहौल व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का है, ऐसा लगता है कि इन उत्पादों को बेचने की कुछ व्यवस्था की गई है। आय प्राप्ति के जो हम लोग अभी कुछ केंद्रों पर इस तरह का प्रयास हम लोगों ने किया है विगत एक वर्षों में, कुछ जगह पे हम लोग सिलाई केंद्र चला रहे हैं, कुछ जगह पे हम लोग लिफाफा बनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, कुछ जगह पे हम लोग चिप्स पापड़ अचार मुरब्बे का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इन तरह इस अलग अलग कार्यक्रमों को हम लोग उस क्षेत्र में, और आगे भविष्य में हमारी योजना ये है कि मेला के माध्यम से इन सारे प्रोडक्ट्स को ला करके इनकी मार्केटिंग कराई जाए, जिससे कि लोग इसका लाभ अधिक से अधिक उठा सके और लोगों को इसके माध्यम से सतत शिक्षा के कार्यक्रमों की जानकारी भी मिल सके। लेकिन नव साक्षरों द्वारा बनाए गए इन उत्पादों को बेचने से मिलने वाला लाभ किसके पास जाता है ये स्पष्ट नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये केंद्र व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साधन मात्र ही रह गए हैं। इन केंद्रों पर एक एक लाइब्रेरी भी स्थापित की गई है, यहाँ लोग आकर पुस्तकों तथा पत्रिकाओं इत्यादि को पढ़ते और जानकारी हासिल करते हैं। इनके लिए पुस्तकों तथा अलमारी आदि की व्यवस्था जिला साक्षरता समिति ने की है। हमने जब पुस्तकालय का मानक तैयार किया डीआरयू ने, तो उसमें चार बातों का विशेष ध्यान रखा कि रेजिमेंटेशन नहीं हो, जिस क्षेत्र में पुस्तकें दी जा रही हैं उस क्षेत्र की आवश्यकता क्या है, क्या महिलाएं वहां पर कोई ऐसा कार्य करना चाहती हैं तो उनके लिए, क्या उद्योग धंधे ऐसे हैं कि जहां पर लगा करके उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए, या अगर शिक्षा की कमी है तो उन नव साक्षरों के लिए कौन से ऐसी पुस्तकों का चयन किया जाए कि जो पुस्तकें उनके लिए सार्थक हों और वो पुस्तकें उनको वहां पर दी जाएं। इसके लिए साक्षरता निकेतन है और रिसोर्स सेंटर है, स्टेट रिसोर्स सेंटर है और नेशनल बुक ट्रस्ट है, और जो डोनर्स हैं, हमने अपील निकाली डीआरयू ने कि जिनके घरों में परिवारों में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं वो स्वेच्छा से दान देना चाहते हैं तो हमारे केंद्रों के लिए दान दें और उसकी सूची, और उनको हम राष्ट्रीय 15 अगस्त और या 8 सितंबर को उनका इस तरह का हमारा कार्यक्रम है कि जो ऐसे डोनर्स होंगे उनको हम प्रोत्साहन के लिए बुलाएंगे। लेकिन सतत शिक्षा के इन केंद्रों पर पढ़ने लिखने का माहौल कम ही दिखाई पड़ता है। सांस्कृतिक रूप से संपन्न इस ब्रज क्षेत्र में फैले सतत शिक्षा केंद्र में महिलाओं को अपनी कलात्मक अभिरुचियों को प्रदर्शित और विकसित करने का भरपूर अवसर दिया जाता है। इसके लिए ढोलक मंजीरों इत्यादि सामग्री को जिला साक्षरता केंद्र उपलब्ध कराता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों का मनोरंजन करने के लिए भी समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रमों के साथ साथ लोगों की रोजमर्रा की कठिनाइयों का समाधान करने के लिए कुछ अन्य कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिनमें जिला संसाधन केंद्र के सदस्यों की मुख्य भूमिका है। कुछ को तो बैंक्स के बारे में ही जानकारी नहीं है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, बहुत ही पुअर हालत में रह रहे हैं,
और सरकार की तरफ से जब ये वृद्धा अवस्था पेंशन उन्हें प्रदत्त है, उन्हें मालूम ही नहीं है किस सोर्स से हमें फॉर्म मिलेगा, किस सोर्स से जाके हमें किस तरह से आय प्राप्ति का, आय का एक सर्टिफिकेट होता है वो कहाँ से लेना है, उन्हें हमने उनको बताया भी, फॉर्म भी उन्हें उपलब्ध कराए और कानूनी सहायता के लिए जो पुअर हैं, अब तो खैर 50,000 तक का हो गया है, उससे पहले 10,000 का था, जिसकी वार्षिक आय 10,000 होगी उसको 1,000 रुपया गवर्नमेंट से मिलता है, और जिनका दहेज का केस चला है उसके लिए भी कानूनी सहायता के लिए 1,000 रुपया मिलता, किसी को जानकारी ही नहीं थी। तो हमने प्रोबेशन अधिकारी से मिलकर, उनके फॉर्म्स लेकर और आम आदमी तक, मतलब वकील जो है एक आदमी तक गया, महिलाओं तक गया कि ऐसी सुविधाएं आपके लिए आप क्यों नहीं लेते, और उन्हें हमें जिला साक्षरता की ओर से जो हमने शिविर लगाए कानूनी उनको दिए और उनको दिलवाई भी है सहायता हमने। वहाँ जाके हम लेक्चर देते हैं जिसके अंदर मातृत्व और शिशु कल्याण के जो कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में बताना, और स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल मिल सके इसके कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कुएं जो हैं, क्योंकि वहाँ साधन जो है ज़्यादातर पानी पीने का, कुएं की सफाई के ऊपर जोर देते, तालाबों की सफाई के ऊपर जोर देते हैं, और इसके जोर नहीं देते, करवा ही रहे हैं, और वृक्षारोपण करवा के वायु को हम पर्यावरण साफ देते हैं, उनके अंदर अच्छी हैबिट्स बच्चों के अंदर डालने के लिए, और मातृत्व कल्याण के लिए ये है कि उनको सेफ पीरियड हो, पूरे 9 महीने उनकी देखभाल होती है, समय समय पर उनको दवाई दी जाती है, टेटनस के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, और उसके बाद डिलीवरी के लिए जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ उन्हें पहुँचाया जाता है ताकि उनको अच्छी तरह प्रसवकाल जो है उनका हो जाए। दाइयाँ वहाँ प्रशिक्षित करवा रहे हैं, दाई जो होती है अगर गाँव में ही करवाना है तो उसी प्रशिक्षित ढंग से वो अच्छी तरह हाइजीनिक कंडीशन में वो करवाती हैं, और बच्चों को बचाव के टीके लगाते हैं जैसे पोलियो, ट्रिपल BCG और ये सब। पोलियो के अभियान हमारे चले हैं यहाँ पे 4 चरणों में हुआ, पूरे में हमारी सतत शिक्षा केंद्र के सभी जो ये थे प्रेरक और नोडल प्रेरक, उन सब ने पूरी तरह से भाग लिया है, बढ़ चढ़ के भाग लिया। इन कार्यक्रमों में महिलाओं की दिलचस्पी और भागीदारी ही सबसे अधिक है। महिलाएं आरंभ से ही इस कार्यक्रम से जुड़ी रही, जब साक्षरता आंदोलन चला तब भी उसमें बहुत से केंद्र ऐसे थे, जैसे पर्दे वाली मुस्लिम बस्तियों में जाने का कार्यक्रम था, वहाँ पर साक्षरता केंद्र चलाने का प्रश्न था, तो आगरा के समाज सेवी संगठनों से जुड़ी हुई बहुत सी महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी, और ऐसी जगहों पर उन्होंने, जहाँ पर कि स्त्रियाँ बाहर नहीं निकलती थीं, पर्दे में रहती थीं मुस्लिम बस्तियों में, वहाँ भी जाकर उन्होंने केंद्र चलाए और उनके बीच रहकर उनका प्यार जीता, उनका विश्वास जीता और उनको पढ़ने लिखने में दिलचस्पी पैदा की। और जो सतत शिक्षा केंद्र जब खुला तो उसमें भी आगरे की काफ़ी समाजसेवी महिलाएं आईं, जिन्होंने कि इसमें DRU के सदस्य के रूप में या मोटिवेटर के रूप में, और बहुत सी लड़कियां प्रेरक के रूप में आज भी काम कर रही हैं, और जहां ये कार्यक्रम चल रहे हैं वहां की महिलाएं भी रेगुलर उसमें आती हैं, वाचनालय में भी आती हैं और वहाँ के कार्यक्रमों में भाग लेती हैं, गीत संगीत के माध्यम से भी साक्षरता का महत्व समझाया जाता है, बहुत से लोकगीत के माध्यम से भी, फिर कला जत्था के माध्यम से भी, उसमें भी लड़कियां हैं, तो महिलाओं की भागीदारी इस कार्यक्रम में शुरू से रही है। सतत शिक्षा कार्यक्रम साक्षरता अभियान का 3रा चरण है। इसको सफलतापूर्वक लागू करने के लिए इससे जुड़ी सरकारी और गैर सरकारी लोगों का प्रशिक्षण, उसका पाठ्यक्रम एवं पठन पाठन सामग्री का निर्माण महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि निर्णायक स्थान रखता है। किस प्रकार किया जाता है इनका प्रशिक्षण? जिला साक्षरता समिति ने क्या राज्य संसाधन केंद्र से कोई सहायता ली है? नहीं, हम लोगों के यहाँ नोडल प्रेरक और इनकी ट्रेनिंग जो है उसका, चूंकि ये आगरा पहला जिला था तो यहाँ पे अपना एक अलग कंसेप्ट रहा है कि सबसे पहले हम लोगों ने अपने DRU मेंबर्स, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट के पर्सन्स हैं, उन लोगों की ट्रेनिंग हमने PSU फाउंडेशन से कराई, और उनसे प्राप्त ट्रेनिंग के आधार पर हमारे DRU मेंबर्स ने ब्लॉकों पर और शहरी क्षेत्रों में जोन पर जा जा करके ट्रेनिंग दी, और उसमें हमारे नोडल प्रेरक और प्रेरक की जो भी जिज्ञासाएँ थी और उनकी जो कठिनाइयाँ थी उसको उस ट्रेनिंग के माध्यम से दूर किया गया। नव साक्षरों तथा इन केंद्रों पर आने वाले दूसरे लोगों के लिए किस प्रकार की पुस्तकें तथा पत्रिकाएं इत्यादि उपलब्ध कराई जाए इसका भारी महत्व है। इस क्षेत्र में भी राज्य संसाधन केंद्र लखनऊ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
एसआरसी की जो मुख्य जिम्मेदारियां हैं, एक ट्रेनिंग है, इवेल्युएशन है, एक साथ साथ एक और भी अहम जिम्मेदारी है सामग्री निर्माण की, मटेरियल प्रोडक्शन की, चाहे वो कंटिन्यूइंग एजुकेशन में हो या उससे पहले भी बेसिक लिटरेसी में भी मटेरियल प्रोडक्शन एक ख़ास काम रहा है एसआरसी का। कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लिए जो हम साहित्य बनाते हैं, सामग्री बनाते हैं, दो तरह की हैं। एक तो है जो काम करने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके लिए, जैसे प्रेरक मैनुअल, प्रेरक कैसे काम करें, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको जो सतत शिक्षा के बारे में जानना चाहिए वो सब उसमें शामिल कर लेते हैं। और दूसरी है जो लाइब्रेरीज़ में जाएंगी किताबें, जो सामान्य पाठक के लिए हैं, जो लाभार्थी, जिसको हम लक्ष्य समूह कहते हैं, लक्ष्य समूह के लिए, लक्ष्य समूह के लिए जो हम किताबें तैयार करते हैं उसको आमतौर पर वर्कशॉप्स कर लेते हैं, कार्यगोष्ठियाँ कर लेते हैं, कार्यशालाएँ कर लेते हैं, और उनमें बाहर के विशेषज्ञों को भी बुला लेते हैं। अपनी टीम तो हमारी है ही, विशेषज्ञ हैं यहाँ, बाहर से जो बुलाते हैं, जो किसी ख़ास विषय पर लिखवाना होता है उनको बुला लेते हैं, या किसी ख़ास रीज़न के बारे में अगर कुछ लिखवाना होता है तो वहाँ के विशेषज्ञ बुला लेते हैं, और उन कार्यगोष्ठियों के तहत हम ये कर लेते हैं कि सतत शिक्षा के लिए पुस्तकें तैयार हो जाती हैं। जो साहित्य वो पढ़ना चाहते हैं उस साहित्य को स्वाभाविक है कि वो उनकी अभिरुचि के मुताबिक हो, उनकी आवश्यकता के मुताबिक हो और उनकी समस्याओं पर आधारित हो, जिसे अंग्रेजी में बहुत शॉर्ट में निप कहते हैं, नीड, इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम्स। तीनों पर आधारित साहित्य जो होगा वो अलग अलग जनपदों के लिए, अलग अलग अंचलों के लिए अलग अलग होगा। भाषा ऐसी हो जो कम से कम पढ़ा लिखा भी समझ सके, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे के लिए तो खैर आसान ही होगी वो, लेकिन जिसको बहुत कम वोकेबलरी है, जिसने अभी अभी ये मान लें हम कि उत्तर साक्षरता से कंप्लीट किया है, वो भी उसको पढ़ सके और उतनी ही रुचि से पढ़ सके, ग्राह्य हो उसके लिए, सारी चीज़ें उसको समझ में आने वाली हों और उनको अपना सके वो, एक चीज़ तो ये ध्यान रखते हैं। दूसरा ये कि उसमें विषय जो हम चुनें ऐसा चुनें जो उसके आसपास का हो। सतत शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जिला साक्षरता समिति और राज्य संसाधन केंद्र के बीच तालमेल बहुत जरूरी है। एसआरसी और ZSS के बीच में केवल दो बिंदुओं पर लिंक है। पहला तो चूंकि सरकार की व्यवस्था है कि जितनी भी पुस्तकें या लिटरेचर साक्षरता का, चाहे वो संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम हो, चाहे उत्तर साक्षरता कार्यक्रम हो या सतत शिक्षा कार्यक्रम है, तीनों ही कार्यक्रमों में जितना भी लिटरेचर लेना है, जितनी भी किताबें परचेज करनी है, वो सब एसआरसी के माध्यम से ही परचेज की जाएंगी। और दूसरा, जितने प्रेरक हैं या TLC में और PLP में, विशेष तौर पर जो MT थे, VT थे या की रिसोर्स पर्सन थे, उनकी ट्रेनिंग भी एसआरसी के माध्यम से कराई गई है। तो ट्रेनिंग और किताबें यही दो बिंदु हैं जो एसआरसी और ZSS को जोड़ते हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान के दोनों चरणों को पूरा करने के बाद सतत शिक्षा कार्यक्रम का अलख जगाने में आगरा निसंदेह सबसे आगे है, लेकिन राज्य संसाधन केंद्र की सहायता के बगैर जिस प्रकार ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है उससे अनेक संदेह पैदा होते हैं। अभी हाल में उनको लगा है कि हम यहाँ प्रशिक्षण को जितना प्रभावी करेंगे काम उतना आसान होगा, लेकिन ना उन्होंने इस प्रशिक्षण को, चूंकि यहाँ पूरे प्रदेश का जोर था, इसलिए कोशिश बीच बीच में की है, जो रिकरिंग ट्रेनिंग्स होती हैं उनके लिए वो करते रहे। तो जिस प्रकार से कोशिश की जा रही है, जो आगरा को कठिनाई आ रही है, शायद आगरा के कठिनाई आने के कारणों को जान करके प्रदेश के दूसरे जिले इसे लाभ उठा सकें। सतत शिक्षा केंद्र पर चल रहे कार्यक्रमों को देखने से लगता है कि इनमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों में से केवल एक या दो को ही लागू किया जा रहा है, जबकि इस प्रयोग पर पूरे देश की नजरें लगी हैं। इसकी सफलताएं और कमजोरियां प्रदेश के दूसरे जिलों को बहुत कुछ सिखा सकती हैं। आगरा में ये कार्यक्रम आरंभ हुए कुछ समय तो हो चुका है, लेकिन हमने अभी इसका मूल्यांकन कराया नहीं, बल्कि हमने इसकी चर्चा भी की थी और हम ये प्रयास करेंगे कि अभी तक की जो हमारी उपलब्धि है आगरा की, उसे हम मूल्यांकन करें और देखें कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम हमारा संचालित हो रहा है और इसमें गुण दोष के आधार पर इसमें क्या हम और आगे कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी कुछ जल्दी होगी इसके बारे में कुछ कहना।